ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी खबरों की पड़ताल तह तक। 2008 में सरकार का गाइडलाइन है कि मूर्ति वहां पे नहीं लगाया जा सकता, और लगाया जाएगा तो उच्च स्तरीय पे परमिशन लेकर लगाया जाएगा। तो हमारा वहां पे था दो तरह का कार्यक्रम था, अपने खुद की जमीन पे लगाने का कार्यक्रम था या माल्यार्पण करने का कार्यक्रम था। तो मूर्ति नहीं लगाने के लिए इसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया कि चले कोई बात नहीं, मूर्ति स्थापित नहीं होगा लेकिन माल्यार्पण करने का अनुमति मिले। तो माल्यार्पण करने का भी अनुमति सरकार के तरफ से नहीं मिला। इनफैक्ट हमारे लखनऊ कार्यालय पर, हम अपने कार्यालय पे प्राइवेट प्लेस पे, हम अपने कार्यालय पे वहां पे मूर्ति लगाया गया, वहां पे भी माल्यार्पण करने से रोका गया। और छोटा सा अपने कार्यक्रम आप कर सकते लेकिन बड़े मूर्ति पे प्रतिमा पे आप माल्यार्पण नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सोच और अच्छा विचार नहीं है कि फूलन देवी जी का कार्यक्रम आज से नहीं। जब से हम पॉलिटिक्स में, राजनीति में, सामाजिक संगठन में आए तब से हम काम कर रहे हैं। आप 2018 में अगर आप सभी को याद होगा तो फूलन देवी शहादत दिवस के रोज हम 5000 महिला एक ही कलर, एक ही साड़ी में, एक ही ड्रेस में पटना के रोडों पे उन्होंने फूलन देवी का कृष्ण हॉल में कार्यक्रम हुआ था। और हर साल हम लोग कार्यक्रम करते हैं और हम अपने पूर्वज को, जुब्बा सैनी को, फूलन देवी को हमेशा याद करते रहते हैं। और ये एक समाज है, ऐसे ऐसे समय में सबको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये सारी चीजें हैं तो हम लोग कर रहे हैं। विशेष तौर पर अभी उत्तर प्रदेश हम चुनाव लड़ रहे हैं तो इस समय चुनाव का समय आया, अभी अगले साल चुनाव होना है और इस समय में अवसर पड़ा तो हमने 18 मूर्ति हमने वहां पे भेजा और कार्यक्रम किया। योगी जी को इस पे विचार करें और बगैर कोई कारण का, और एक व्यक्ति को से डर से अगर आप, अगर इस तरीके से आपका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है तो फिर आप कैसे सरकार चला रहे हैं? फिर तो आपको सोचना है, आपको विचार करना कि आप इतने बड़े प्रदेश का मुखिया आप कैसे बने हैं। तो इसके लिए आपको हर नेता को, हर जनता को आपको सुरक्षा देना आपका काम है। आप सरकार में हैं, आज जैसे हम लोग सरकार में तो हमारा हर एक जवाबदेही हम पे बनता है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे बनता है कि बिहार के हर एक नागरिक को सुरक्षा देना, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का भी बनता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने के लिए नहीं मिला, भविष्य में भी इसी तरीके से बहुत सारा कार्यक्रम होगा। अगर ऐसे अगर किसी प्रदेश का मुखिया का अगर ऐसा मनमाना हुआ तो ये तो भविष्य में अच्छा नहीं रहेगा कोई भी प्रदेश के लिए, कोई भी राजनेता के लिए। तो इसके लिए देवू जी समझेंगे, और विशेष तो उनकी राजनीति है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं और हमारा मकसद है कि समाज को वहाँ जोड़ना। और मुझे लगता है कि जब कल अगर 18 मंडल में कार्यक्रम होता तो जितना समाज कल यूनाइट हुआ उतना शायद नहीं होता। कल पूरे भारत के निशान जो फूलन देवी को मानने वाले लोग हैं, सब लोग एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। फूलन देवी दो बार सांसद रही है, चंबल से लेकर वो सफर को तय किए सांसद तक पहुंचे, सम्मानित पद पे रहे हैं। उसके बाद उनका हमेशा विचार रहा, सपना रहा कि पूरे भारत के निशान को एक करें। आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि फूलन देवी अभी भी जिंदा है, आज उनके बताए हुए रास्ते से, उनके विचार पे आज हम लोग काम कर रहे हैं और समाज को जोड़ रहे हैं। आज फूलन देवी जिंदा रहती, हम लोगों के बीच में रहती तो शायद आज ये दिन नहीं रहता, आज निशा समाज बहुत आगे निकलता। लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में वीरांगना फूलन देवी का सम्मान हमेशा बना रहे, बिहार में भी बनाएंगे और पूरे प्रदेश में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। चुनाव के वक्त